एक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं कुछ खास खबरों से रूबरू। मौलाना मदनी के दिए गए विवादित बयान पर पूर्व विधायक प्रत्याशी यमुनोत्री विधानसभा विपिन कुमार सोनी ने कड़ा विरोध जताया व बयान के कड़े शब्दों में घोर निंदा की। सोनी जी, अभी हाल ही में मौलाना मदनी जी का एक बयान आया है, इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए हमसे बातचीत करने के लिए, और जो भी दर्शक हमें देखेंगे उन सबको जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय और सबको प्रणाम। तो मदनी साहब ने जो बयान दिया है वो बहुत ही बेकार बयान है, बेहुदा बयान है, और इस बयान का मैं खंडन करता हूँ। और मैं आज पूरे हिंदुस्तान के जितने वैदिक सनातन संस्कृति को मानने वाले मेरे भाई हैं जो खुद को सनातनी कहते हैं, उन सबसे एक ही बात पूछ कहूँगा, और जितने जो टीवी पे भी जो डिबेट चल रही है आजकल, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं ये कहूँगा कि अब क्या हिंदुस्तान के हिंदुओं का वो समय आ गया है कि अब हमें मौलाना या मौलवियों से पूछना पड़ेगा कि हिंदू धर्म क्या है, सनातन क्या है, वैदिक धर्म क्या है, या कोई मौलाना हमको बताएगा? हमारे शंकराचार्य, हमारे जो गुरु हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, हम उनसे ना पूछ के मौलवियों से पूछेंगे कि हमारे सनातन संस्कृति क्या थी, उसकी क्या सभ्यता थी, कितने साल पुरानी है? तो ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बयान है उनका। उन्हें अपने मजहब, अपने दीन पे ध्यान देना चाहिए, दूसरे के धर्म के मामले पे उन्हें टिप्पणी नहीं करना शोभा नहीं देता है। उम्रदराज व्यक्ति हैं और अपने धर्म की उन्हें महारत होगी, अच्छी बात है, लेकिन वैदिक सनातन संस्कृति के बारे में उनका ज्ञान जो है वो बिल्कुल शून्य है, ना के बराबर है। पहली बात तो मैं इस पर यह कहना चाहूँगा, और उनके बयान की तो जितनी निंदा की जाए उतनी मैं घोर निंदा करता हूँ, और ये बयान बहुत ही बचकाना और बेहुदा है। जनाब, ऐसा है कि जो वैदिक सनातन सभ्यता है, वैदिक सनातन धर्म है, ये आदिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। और मदनी साहब को शायद ये नहीं पता कि शिव शंकर जी, ब्रह्मा जी और शिव जी की जिनकी बात कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि शिव जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी है कौन। और वो कह रहे हैं कि ये आदम पहले आया, आदम ओम की पूजा करते थे, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आए, वगैरह वगैरह फलाना। तो ये बहुत ही बचकाना उनकी थॉट है, और बहुत ही, मतलब मैं इसको ये कहूँगा कि उनका ज्ञान शून्य है हिंदू और वैदिक धर्म के बारे में। क्योंकि जो वैदिक परंपरा के अनुसार से माना जाए तो परमात्मा सबसे पहले आया है, जिनको हम शिव कहते हैं, और उन्हीं परमात्मा का नाम ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अनंत नाम है भगवान के। तो उनको पहले, सबसे पहले तो वैदिक सनातन सभ्यता को, धर्म को अगर जानना है तो वैदिक ग्रंथों का अध्ययन अच्छे से करना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि कोई मौलाना या कोई मौलवी से हमें सीखने की जरूरत नहीं है कि वैदिक सनातन संस्कृति क्या है, हिंदू धर्म क्या है। हमारे गुरु, हमारे शंकराचार्य और हम खुद अपने तरीके से, और अपने हमारे जो रिलीजियस, हमारी जो बुक है, जो हमारे कंटेंट है हमारे पास, जो भी हमारे पास वैदिक, जो हमारे पास लिटरेचर है, हमारे पास गीता है, रामायण है, उन पुस्तकों से, पुराणों से हम जानकारी ले सकते हैं। हमें किसी मौलाना के ज्ञान की जरूरत नहीं है, हम हमारे पास हमारे धर्मगुरु और शंकराचार्य मौजूद हैं। दूसरी बात है कि सनातन संस्कृति का कोई भी मानने वाला कभी किसी मजहब पे कभी टिप्पणी नहीं करता है, तो इसीलिए मदनी साहब को, और जो मदनी साहब जैसे हैं, जिन्होंने, एक और मदनी साहब हैं, छोटे मदनी साहब हैं, उन्होंने कहा इस्लाम की जन्मभूमि भारत है, तो उनके इस बयान का भी मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। भारत राम की भूमि है, भारत भरत की भूमि है, भारत कृष्ण की भूमि है, भारत भगवान राम की भूमि है, भारत वैदिक सनातन की भूमि है, भारत वाल्मीकि ऋषि की भूमि है, भारत वेदव्यास मुनि की भूमि है, भारत परशुराम की भूमि है, भारत श्री राम और हनुमान की भूमि है। तो भारत इस्लाम की भूमि नहीं है, और भारत में कोई आदम वादम पैदा नहीं हुए, भारत मनु की भूमि रही है, मनु यहाँ पे सबसे पहले जो माने गए पुरुष, और उसके बाद यहाँ की सभ्यता शुरू हुई, और भारत में सभ्यता विकसित होने के बाद ही भारत से अलग अलग देशों में, मतलब भारत से लोग गए, फिर उसके बाद वहाँ सभ्यताएँ विकसित हुई हैं। दूसरी बात, अगर उन मदनी साहब की बात मान भी ली जाए कि आदम यहाँ पे पैदा हुए, तो आदम अगर यहाँ पे पैदा हुए थे, इस्लाम का जन्म भारत में यदि हुआ है, तो मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा मदनी जी को कि जब इस्लाम का जन्म भारत में हुआ तो मक्का में ही काबा क्यों है? तो फिर काबा हिंदुस्तान में होना चाहिए था, मदीना भी हिंदुस्तान में होना चाहिए था, तो इतने दूर हज करने की जरूरत नहीं पड़ती पहली बात। तो मेरा कहना यह है कि मदनी साहब, ऐसे बयानों से आपको बचना चाहिए, और आपका बयान बहुत ही बेहुदा है, और आपको यदि वैदिक शास्त्र की
ज्ञान प्राप्त करना, तो आप शंकराचार्य और हिंदू और सनातन धर्म गुरुओं के साथ संपर्क करें, वो आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। धन्यवाद।